सिग्मा यानी फ्री फायर लाइट क्या 100% सिक्योर है? क्या इससे डाटा वगैरह लीक तो नहीं हो रहा है? इन सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देख कर जाना। तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है ऐसे मुड़ी के एक होने और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सिग्मा यानी फ्री फायर लाइट के बारे में बात करेंगे। क्या ये सेफ है, क्या आपको इसको यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये सारा कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो में जरूर से जरूर बने रहना। तो सबसे पहले बता दो, ये कोई भी 100% सिक्योर ऐप नहीं है, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, इसे हम लोगों को ब्राउजर से इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए 100% सिक्योर तो नहीं है। सो इसलिए बहुत से लोग डर रहे हैं कि इससे डाटा वगैरह लीक तो नहीं हो रहा है। तो लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर कोई भी डाटा वगैरह लीकिंग का खबर अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप अगर सावधानी बरतना चाहते हो, इससे डाटा वगैरह लीक होना देना नहीं चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं पूरा कुछ बता दूंगा। अगर आपने लॉग इन भी कर लिया है जीमेल से या फिर फेसबुक से भी लॉग इन कर लिया ना, तो इससे कैसे रिमूव करें ये भी बता देता हूँ, और कैसे आप लोग इससे सेफली खेल सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने फेसबुक से लॉगिन किया, तो फेसबुक पे जाना है, यहाँ पर सेटिंग में जाकर एप्स एंड वेबसाइट में जाना है नीचे, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्मा मिल जाएगा। हालांकि मैंने फेसबुक से लॉगिन नहीं किया, मैंने गूगल से किया था, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर दिखा नहीं रहा। तो मैं कुछ भी यहाँ पर टैप कर रहा हूँ कोई भी एप्स पे, तो आपको सिग्मा पे टैप करना है, रिमूव पे क्लिक करके यहाँ पर रिमूव कर देना है। सो मैंने तो गूगल से किया था, तो गूगल से कैसे रिमूव करें, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, और उसके बाद जो भी जीमेल आपने लॉगिन किया हो सिग्मा पे वो जीमेल ऑन कर लेना है, और यहाँ पर मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर देना है। मैनेज अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा एंड प्राइवेसी मिल जाएगा, उस पर जाना है, उस पर जाकर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड पार्टी एप्स, और थर्ड पार्टी एप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सिग्मा मिल जाएगा, तो इस पर टैप करना है और रिमूव एक्सेस में क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। बस इतना सही है, और उसके बाद आपको इसको खेलना नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दो, अगर आपको खेलना ही है तो गेस्ट आईडी बनाकर खेल सकते हो। सो बस लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, आप लोगों से बस एक हेल्प चाहिए। मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है अभी, आप लोग देख ही सकते हो, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है, और एक कमेंट तो ज़रूर कर देना गाइस, ताकि हमारा सर्च लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए फिर से दोबारा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो जो लोग मेरा सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से दोबारा सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।